टू प्रूव ई इज इक्वल टू माइनस डी वी बाई डी आर या फिर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इज नेगेटिव ऑफ पोटेंशियल ग्रेडियंट. पोटेंशियल ग्रेडियंट होता है रेट ऑफ चेंज ऑफ वी विद रिस्पेक्ट टू आर. इसको बोलते हैं पोटेंशियल ग्रेडियंट, कि वी चेंज हो रहा है डिस्टेंस के साथ साथ. अब ये माइनस साइन बीच में क्या कर रहा है वो भी डिस्कस करेंगे, और ये रिजल्ट प्रूफ करने को भी आ सकता है. इसके ऊपर न्यूमेरिकल तो बहुत ज्यादा आएंगे. इसके अंदर क्या है, सपोज करो आपके पास इलेक्ट्रिक फील्ड टूवर्ड्स राइट है. आपने मान लो किसी चार्ज को यहां से पी डैश पे ले गए डी आर वैक्टर, तो डी आर और ई में फिर से एंगल जीरो नहीं है, थीटा है. ठीक, रूल नंबर वन, अगर मैं बोलूं पोटेंशियल डिफरेंस निकालो, पोटेंशियल डिफरेंस की डेफिनेशन क्या है स्मॉल पोटेंशियल डिफरेंस की, मान लो डी आर इज स्मॉल तो ई वैक्टर डॉट डी आर. मैं इंटीग्रेशन नहीं कर रहा हूं क्योंकि टोटल पोटेंशियल डिफरेंस ही निकल रहा है, स्मॉल निकल रहा है, तो डेफिनेशन यूज कर सकता हूं. मेरे क्वेश्चन में ई में और डी आर में एंगल क्या है थीटा, तो ई डी आर में एंगल इज थीटा, तो डॉट प्रोडक्ट ओपन करेंगे तो कॉस थीटा. डी आर नीचे ले आओ, माइनस साइन राइट ले जाओ, तो पहला फॉर्मूला ई कॉस थीटा इज माइनस डी वी बाई डी आर. पर आप कहेंगे फॉर्मूला तो ये था, एक्चुअल में ये स्पेशल केस है. अगर ई वेक्टर राइट है और आपका डी आर भी राइट है तो एंगल बिटवीन ई एंड डी आर क्या हो जाएगा जीरो, कॉस जीरो क्या होता है वन. ये फॉर्मूला सिर्फ तब चलेगा अगर ई और डी आर सेम डायरेक्शन में है, यानी कि डीवी पोटेंशियल डिफरेंस आप इलेक्ट्रिक फील्ड के अलोंग निकाल रहे हो. पर अगर आपके बीच में एंगल है डीवी और इसके बीच में और डी आर और ई के बीच में, फिर ई कॉस थीटा लिखना है. तो फॉर्मूला रजिस्टर लो, उसके अंदर पहले ये डायग्राम बनाओ, ये फॉर्मूला लिखो, ये डायग्राम बनाओ, ये फॉर्मूला लिखो, ताकि आपको याद आ जाए कब कौन सा फॉर्मूला लगाना है.